हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो फिर से होने वाला है एक रिव्यू वीडियो। मैं आपके लिए दोबारा से एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो होने वाला है सीरम पर। तो मैं यहाँ रिव्यू देने वाली हूँ इस मैट्रिक्स प्लेटेंस सीरम की। ये मैट्रिक्स का सीरम है और ये बोलता है कि ये स्प्लेटेंट सीरम है। तो हाँ, ये स्प्लेटेंट सीरम है। एक्चुअली मेरे स्प्लेटेंट्स इससे कम हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि इसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं या मुझे अब स्प्लेटेंट्स होते ही नहीं हैं। स्प्लेटेंट्स होते हैं लेकिन कम हो चुके हैं। पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्प्लेटेंट्स होते थे, लेकिन जब से मैंने हेयर कट लिया उसके बाद से मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद से मुझे स्प्लेटेंट्स कम होने लगे हैं। तो स्प्लेटेंट्स तो होते हैं लेकिन कम होने लगे हैं। ऑफकोर्स ये हमारे हेयर्स में शाइन ऐड करता है। मैंने अभी अभी हेयर स्ट्रेट किए हैं, अब मैं इसे अपने स्ट्रेटन हेयर पे लगा लेती हूँ। आपको दिखा देती हूँ ये कैसे शाइन ऐड कर देता है। हमें इसके लेना है सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट। अच्छे से अपने हाथों में मसाज करनी है और फिर अपनी हेयर लेंथ पे स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। ये मैंने अपने पूरे हेयर्स पर लगा लिया इसे, और जो लास्ट में बचा हुआ है वो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे ताकि ऊपर वो ज़्यादा शाइनी ना हो जाए। अदरवाइज वो ज़्यादा शाइन हो जाता है तो वो ऑयली सा फील होने लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जो थोड़ा सा बच जाता है नीचे लगाने के बाद, उसके बाद हम ऊपर की तरफ लगा लेते हैं इसे। एंड दिस इज़ दी बेस्ट वे टू अप्लाई सीरम ऑन योर हेयर्स। सो या, सीरम अप्लाई करने के बाद हमारे बेबी हेयर्स भी नहीं दिखते हैं, वो छुप छुप से जाते हैं बिल्कुल, और हमारे हेयर्स में शाइन आ जाती है। सो या, मेरे हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं मैं पहले हेयर्स कैसे लग रहे थे और अब कैसे लग रहे हैं। सो सीरम काफ़ी पसंद आया मुझे। इट्स रियली गुड। स्प्लिट एंड्स भी कम किए, शाइन ऐड करता है और हेयर्स को मैनेजेबल बनाता है, जो कि एक सीरम को करना चाहिए। सीरम अप्लाई करने का सही टाइम होता है जब हम हमारे हेयर्स वॉश कर ले और जब वो टॉयल ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद हमें सीरम अप्लाई करना होता है हमारे लिटिल बिट ऑफ वेट हेयर्स में। अगर हम तब सीरम अप्लाई करते हैं तो उससे हेयर्स हमारे मैनेजेबल बनता है, शाइनियर बनता है। और हम सीरम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब भी हमारे हेयर्स हमें ड्राई से लगे या उसमें शाइन ऐड करनी हो, तब हम सीरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अभी सीरम अप्लाई किया बिकॉज़ स्ट्रेटनर यूज़ करने के बाद थोड़े हेयर्स मुझे ड्राई लग रहे थे, जो मैनेज नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सीरम अप्लाई किया और इससे मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो गए। ये इसका रिटेल प्राइस है 445। ये मैंने 440 अराउंड में परचेज़ किया था रिटेल, नॉर्मल रिटेल शॉप से ही। और इसका मैन्युफैक्चर डेट था 2019 और एक्सपायरी डेट है 2022। तो यार, ये 3 साल चलेगा तो ये काफ़ी बेटर है। अगर आप ये परचेस करें तो 3 साल के पहले आराम से ख़त्म हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं आएगा कि एक्सपायर हो गया, फेंकना पड़ रहा है, प्रोडक्ट वेस्ट आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। सो या, अगर आप एक सीरम बाय करने का सोच रहे थे तो आप ये ट्राई आउट कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा। मैं इसे रेटिंग 5.5 बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑल्सो ये मुझे अफोर्डेबल लगा, और एक सीरम से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, राइट? सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, आपके किसी काम आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये रिव्यू अच्छा लगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।